सौ के पार हो गया पर सब चंगा है। डीजल ने भी शतक लगा दिया लेकिन फिर भी सब चंगा है। एलपीजी सिलेंडर 1000 के पार हो गया लेकिन फिर भी सब बढ़िया है। रोजी रोजगार में भले ही अभूतपूर्व कमी आई है लेकिन मजाल है कि महंगाई को कोई कम कर सके। इतनी हिम्मत किसमें है कि कोई महंगाई को बोल दे कि भाई जरा अपना भाव भी कम कर लो, इतना क्या भाव खाते हो। खैर आज महंगाई को लेकर देश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तरफ नौकरी नहीं है तो दूसरी तरफ इस बात की चिंता सता रही है कि घर पर उस सिलेंडर को कैसे जलाएं जो मोदी जी की कृपा से अभूतपूर्व विकास कर बुलंदियों पर पहुंच गई है। लेकिन महंगाई से सत्ताधारी बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी को कौन सा अपने पार्टी के प्रचार के लिए घर से पैसे देने पड़ते हैं। भाई जनता के टैक्स का पैसा है ही, जितना मन करे उड़ाओ, जनसभा में करोड़ों खर्च करो। लेकिन आज हम आपको महंगाई की उस तस्वीर को दिखाएंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस सिलेंडर को बीजेपी ने माताओं बहनों को दिया था उस पर खाना नहीं बनता, बल्कि वो लोग तो इसे स्टूल के रूप में इस्तेमाल करती हैं। क्या करें जनाब, मोदी जी की कृपा से सिलेंडर का भाव जो बढ़ गया है अब जनता करे भी तो क्या करे। इतने भाव खाने वाले सिलेंडर को कौन मुंह लगाएगा। खैर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में रैली हुई जिसमें लाखों रुपए खर्च कर होर्डिंग्स लगाए गए। लेकिन यह रैली में भीड़ का हिस्सा बनने आई महिलाएं जाते जाते उन होर्डिंग्स को भी तोड़ कर ले गईं, जिसे बीजेपी के नेताओं ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए लगाया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन महिलाओं ने ऐसा क्यों किया। आखिर जिस नेता को सुनने के लिए वो यहाँ तक आई थी उन्हीं के शान में लगे इन होर्डिंग्स को क्यों उखाड़ कर ले गई। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो क्या जवाब मिला, ये आप भी सुन लीजिए। लकड़ी आप किस लिए लेके जा रही है? चूल्हे में जलाएंगे और किसके लिए ले जा रहे हैं? सिलेंडर नहीं है आपके? गरीब है हम तो। अच्छा, घर हमार नहीं, मंडिया हमार नहीं। सिलेंडर है आपके पास? हाँ सिलेंडर, 1000 का हो रहा सिलेंडर। तो 1000 रुपए का सिलेंडर होने की वजह से आप लकड़ी लेके जा रही हैं? और क्या क्या चलो? मतलब जनता सिलेंडर को भरवा नहीं पा रही है और नेता बड़े ही शान से कहते हैं हमने तो उज्ज्वला योजना के तहत इतने गैस सिलेंडर बांटे, हद है। जरा मोदी जी को भी इन महिलाओं की बात सुननी चाहिए कि हकीकत क्या है और जनता कितनी त्रस्त है। लकड़ी दिलाते हैं अभी सरकार ने तो आपको सिलेंडर दिया है उज्ज्वला योजना का, वो हमें ना मिला, हमें पहले ही हमने वैसे ले लिया। भैया 1000 रुपए का सिलेंडर है, गरीब आदमी जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से भरा सिलेंडर? 1000 रुपए कहाँ भैया? तो आप इस ये जो होर्डिंग लगे हैं, इन होर्डिंग को तोड़ा है तो वो आपके चूल्हा जलाने के काम आए, किस क्या करेंगे? लकड़ी चूल्हा ही जलाएंगे। तो सिलेंडर नहीं है आपके पास? सिलेंडर खत्म हो जाता तो मजबूर आदमी कहाँ से भरा पाते हैं 1000 रुपए का सिलेंडर खर्चा। सरकार की योजना है, सरकार ने दे रही है गरीबों को। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर नहीं मिला आपको? खैर मोदी जी आप भले ही इनके जनता के टैक्स के पैसे से राजनीतिक रोटियां सेक लें, लेकिन इन माताओं बहनों के घर पर जब तक चूल्हे नहीं जलेंगे तो रोटी कैसे पकेगी, कैसे भूख मिटेगी। लेकिन जुमलों के सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंचे इन नेताओं को कहां महंगाई दिखती है। अरे जरा मेहनत करके दो वक्त की रोटी कमा कर देखिए, तब शायद आपको समझ में आएगा कि महंगाई का कितना विकास हुआ है। बहरहाल याद रखिएगा मोदी जी, यही महिलाएं आपको चुनाव के वक्त अपने वोट के चोट से बताएंगी कि देश में महंगाई का कितना विकास हुआ है और आपने सिलेंडर का कितना रेट किया है।